चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान इन दिनों चीन में जबरदस्त धमाल मचा रही है। वहां के बॉक्स ऑफिस पर इतनी रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि चीन के बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान की बजरंगी भाईजान जबरदस्त कारोबार कर रही है। आपको बता दें कि बजरंगी भाईजान ने अब तक इंटरनेशनल मार्केट में करीब करीब 400 करोड़ का कारोबार कर चुका है। आपको बता दें कि यह कमाई के मामले में सलमान की बजरंगी भाईजान तीसरे नंबर पायदान पर हासिल कर लिया है। आपको भी बता दे कि आमिर खान की पीके को भी वह धूल चटाते हुए तीसरे नंबर का पोजीशन हासिल कर लिया है। वहीं आपको बता दे कि पीके का इंटरनेशनल कलेक्शन करीब 342 करोड़ का ही रहा था, लेकिन सलमान खान के बजरंगी भाईजान करीब करीब 350 करोड़ का कारोबार कर चुकी है। आपको बता दे कि चले कि आमिर खान की बाकी दो फिल्में दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार अभी सलमान खान इससे पीछे चल रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से सलमान खान की बजरंगी भाईजान चीन के बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा रहा है, उस हिसाब से ये कहना नहीं होगा कि सलमान खान की बजरंगी भाईजान जल्द ही इन दोनों फिल्मों को पछाड़ते हुए चीन के बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम कर लेंगे। आपको बता दें कि बजरंगी भाईजान को चीन में लिटिल लोलिता मंकी गॉड अंकल के नाम से रिलीज किया गया है। आपको बता दें कि इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अब तक 850 करोड़ का कारोबार कर चुका है। आपको बता दें कि बजरंगी भाईजान का निर्देशन कबीर खान ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ कैटरीना करीना कपूर मुख्य भूमिका में नजर आई। साथ ही साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी एक्टिंग दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आया है।